शक्ल तो दिखा अमन नीचे आओ कहां पे आसमान में पहुंच कैसे लग रहा है देखो। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मस्त और मजे में होंगे। तो गाइस सीन आज का ये है कि मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखो सीन कुछ ऐसा है, बारिश हो रही है हल्का हल्का, मजेदार वेदर है, बहुत ही रोमांटिक खतरनाक। तो किसी काम के प्रेशर के बीच में हमने सोचा कि आज कहीं घूमने जाते, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते। तो हमने सोचा कि आज बोरीवली नेशनल पार्क घूमने के लिए जाएंगे, और कल रात को ही प्लानिंग हुआ था कि 8 बजे हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन 8 बज चुका है। फिर भी कुछ लोग हम रेडी हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग सो रहे हैं अभी। यही प्लानिंग किया था कि हल्का हल्का बारिश हो, इसी ऐसे सिचुएशन में घूमने में थोड़ा मज़ा आएगा। वहाँ जाएंगे, यहाँ से लोकल पकड़ के बोरीवली नेशनल पार्क जाएंगे, और वहाँ पर साइकिल वगैरह मिलेगा रेंट पे, तो साइकिल लेके फिर नेशनल पार्क के अंदर घूमेंगे भीगते हुए थोड़ा बहुत बारिश में, तो अलग ही वाइब्स आएगा, मज़ा वाला। ठीक है, तो यही प्लानिंग हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 8 बजे निकलने का था, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है, फिर कोशिश करेंगे पहुँच जाए टाइमिंग के साथ, काम हो और आके फिर और काम भी करना है इधर। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, चलिए शुरू करते हैं। भाई अभी बाहर तो निकल गए 8:30 9 बजने, नहीं कितना 9 बजने वाला है, हम बाहर अभी भी निकले, 1 घंटा लेट हो चुके, बारिश हो रहा है पूरा। चलो भाई ये है वर्सू आ गया मच्छी मार्केट। जिसको पिक करना था उसको पिक कर लिया। तो भाई जब हम अंधेरी स्टेशन आ चुके हैं और बारिश और भी हो रही है, यहाँ पर भीग रहा है, फ़ोन थोड़ा सा मेरा गीला गीला हो रहा है, फिर भी कोई नहीं, अभी वीडियो बनाना है तो बनाना ही है। हम 3 अंधेरी स्टेशन आ चुके हैं, और भी 3 है हमारे टीम के लोग, वो पता नहीं अंदर है, टिकट ले रहे होंगे, कहाँ पर है, अभी मिलते हैं जाके। तो भाई जब भी भूख लगी है तो हम मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं, यहाँ पर एक एक खाएंगे बर्गर, चिकन बर्गर खाएंगे एक एक, या मैकडोनल्ड्स में निकल जाएंगे। अमन भाई चलो, अमन भाई चलो, दो दो मैक दिए आमने सामने। हाँ चलो गाइज, अंदर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बस खा के निकल जाएंगे। ठीक है, तो भाई जब स्टेशन के बाहर जम्बो किंग्स में हम कुछ खाने वाले हैं, जम्बो किंग्स में बर्गर और चाय, चाय पियेंगे पहले फिर बर्गर। जैसे कि हमने बताया था कि आज हम जा रहे हैं बोरीवली नेशनल पार्क, जिस नेशनल पार्क का नाम है क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी हम बोरीवली स्टेशन में उतर के ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, बोरीवली ईस्ट में। अब यहाँ से ऑटो पकड़ के, या तो पता नहीं क्या पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम संजय गांधी नेशनल पार्क। इधर बढ़िया हो गया ना, देखो घूमने के साथ धूप भी नहीं है, अरे गजब गजब हो गया यार, हमारी किस्मत इतना अच्छा है यार, क्या बढ़िया। अरे यार अमन भाई आज इतना खुश है कि मौसम इतना अच्छा हो गया। जब हम आ चुके हैं संजय गांधी नेशनल पार्क मेन गेट यहाँ पर है, और यहाँ पर साइकिल भी मिलता है अंदर घूमने के लिए 80 रुपीज़ पर आवर के लिए। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, साइकिल लेते हैं कि चल के जाते हैं, वो हम डिसाइड करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। गर्मी लग रही है बारिश में? अच्छा हाँ, बहुत गंदा सीन हो यहाँ पर हमारे साथ, तो मतलब इतना गंदा नहीं, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने मतलब साइकिल लिया था, 6 लोग थे, 6 साइकिल ले लिया, और साइकिल लेके एंट्री गेट पे आ गए। ये रहा एंट्री गेट, और यहाँ पर हमें पता चला यहाँ टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है वो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कितना लंबा लाइन है, इतना लंबा लाइन लग के टिकट लेना पड़ता है। साइकिल का क्या सीन है कि 80 रुपये में 1 घंटा, और 2 घंटे का अगर आप चार्ज करो तो 2 घंटा और फ्री, मतलब 2 घंटे के पैसे में 4 घंटा मिलेगा। 4 घंटे के लिए हमने साइकिल लिया है, 6 साइकिल, लेकिन यहाँ आके अभी और यहाँ इतना लंबा लाइन लगना पड़ रहा है, आधे घंटे के लिए यही टाइम वेस्ट हो रहा है, आधा घंटा और लगेगा, शायद दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन देखते जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 घंटा है और अंदर जाके पूरा पार्क घूमना है। अरे हमें पता चला यहाँ पर शेर वगैरह तेंदुए वगैरह मिलते हैं, देखते अगर मिल गए तो थोड़ा उनके साथ भी बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या सीन होगा। आइए, तो गाइस ये मैं हूँ, ये मेरे टीम वाले हैं, और यहाँ पर साइकिलिंग हो रही है,
आराम से भाई, आराम से आराम से। तो गाइस अभी हमें पता चला कन्हेरी केव जाने के लिए 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। कम ऑन गाइस, वी कैन डू इट। हाय वंशी। डियर डियर बंदर भी है उधर चढ़ रहा है। ए बंदर रन्ने बाहर निकलो। हिरन वहां पे देख सकते हैं आप, दो हिरन है। यहाँ पे एक तेंदुआ है। ये रगड़ एक लकड़बग्गा। उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो लोग ढूंढ रहे खाने के लिए। अब अमन कुछ निकाल रहा है बैग से उनको कुछ देने। अच्छा फोन निकाल रहे हो खाने के लिए दे रहे हो। अमन अमन उधर ट्रेन का पटरी भी है। अरे चलो हकते हैं। हमारे दोस्त को आगे जाने के लिए छोड़ दिया अकेले में, और हम पीछे छुपे हुए। पता नहीं वो क्या सोच रही है। तू दिखा दे। नहीं दिखाते। ये देखो कैसे गिरी है। आजा आजा साला, में छुपने के चक्कर में गिर गया। अरे ये वो और हम यहाँ छुपे हुए हैं। तो गाइस इसको हमने अकेले छोड़ दिया था, कैसा लगा? नहीं मतलब छोड़ दिया अकेले हमने तुम्हें या तुमने हम यही समझ नहीं पाए हम। तो गाइस हम जाते जाते बीच रास्ते में रुक गए। यहाँ पर थोड़ा सा रिवर था यहाँ पर, लेकिन सूखा हुआ नदी, पानी नहीं इधर। अभी बारिश का मौसम है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी शुरू हुआ है इसलिए। अब एक महीने बाद पूरा यहाँ पानी भर जाएगा। यहाँ पर हम रहकर थोड़ा जूस वूस पी रहे, रेस्ट कर रहे लोग, और साइकिल वहाँ पर रखा है हमने। थोड़ा सा फील ले रहे, बारिश होने वाला है। बारिश का इंतजार है यार, बस बारिश हो जाए, मज़े लेंगे बारिश में साइकिलिंग करते हुए। हमने यही सोच कर निकले थे कि आज बारिश भी हो रहा था और बारिश में साइकिलिंग करेंगे, और बारिश बीच में रुक गया, थोड़ा धूप आ रहा था, लेकिन अब बारिश होने वाला है, मज़े लेंगे। टाइम भी ज़्यादा है नहीं, हम 4 घंटे के लिए आए थे, 1 घंटा हो गया है और 3 घंटा बचा है, फिर भी चलो मज़े लेंगे। अरे यार ये क्या टट्टी है यार, हम यहीं से गए थे क्या? हाँ नहीं थोड़ा आगे चले, अभी वहाँ पर लंगूर है। 15-20 दिन बाद देखना। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा पानी गिर रहा है करें। इधर भी देखो पानी पानी पूरा। ऊपर वहाँ पर चलो फिर ऊपर जाना है हमें, केव्स है वहाँ पर आगे पहाड़ी के पास, केव्स में कन्हारी केव्स। कम ऑन यू कैन डू इट। हाँ तो भाई यहाँ पर हमारे दोस्त लोग बैठे हुए। गाइज कैसे लग रहा है पेड़ में? हेलो भूल गए क्या हमको? हाँ हाँ करो करो। देखो तो बच्चा आ गया। बर्फ है बर्फ। हाँ मेरे में बर्फ है। मेरे में भी बर्फ टूटते हुए। अमन बोल रहा है। अमन नीचे आओ। कहाँ क्या? अरे उन लोगों के साथ क्यों बैठे हो अमन? अमन वो अपने नहीं है। अपने इधर है अमन, कहाँ जा रहे हो? नहीं जहाँ संयम जाएगा भाई मैं भी जाऊंगा। रोशन वहाँ अकेला क्यों बैठा है? सदमा में। टिकट ही टिकट गाइस, यहाँ पर भी ऊपर एंट्री करने के लिए टिकट देना पड़ा यार। हर जगह टिकट टिकट, लूट मची है, साला लूट मची है देश में। छोटी छोटी जगह आने के लिए ऐसे भिंडी 12 रुपए किलो, गोभी 10 के, मारुति 800 लेते हैं। वहाँ पे नवजात शिशु एक वाओ। पीने का हो सकता है यार पहाड़ी में? वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल लिखा है। कहाँ लिखा है? वो नहीं उधर पी सकते हैं। बहुत तुमने पढ़ लिया बहुत। अमन अगर ईमान से नहीं पढ़ती तो एक काम हो जाता, वही पी लेते हम। पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया लड़कियों का। इतना ऊपर आ चुके हम, और हमें और ऊपर जाना है वहाँ पर, मतलब पहाड़ी के ऊपर। वहाँ से पानी वगैरह गिर रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा कैंटीन में खाना देखने के लिए आए। चलो देखते हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। पानी मिला है कैंटीन में। हेलो आवाओ जय माता दी बोलते हुए। जयकारा शेरावाल। कितने बड़े बड़े इंसान निकल रहे हैं छोटे से छेद से। बड़ा लग रहा है कि अब बना सकते हैं।
टूर गाइड, टूर गाइड बताइए। जो लड़की थी देखो सामने दिखे, लड़की इसके अंदर एक्चुअली मेन जो है ना उसकी बॉडी दबी हुई है। अच्छा, अंदर असली बॉडी इसके अंदर ही, इसके अंदर असली बॉडी दबी हुई। इसने क्या किया था, जो राजा है ना उसकी बीवी जो थी उसके बाल काट दिए थे। अरे बाप, उसकी सुलग गई फिर उसने उसका गला काट दिया। राजा ने बोला छुटिया का मत करो। अंधेरे गुफा, बारिश नहीं हो रहा यार, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, बादल बस घूम रहे हैं ऊपर, बारिश नहीं हो रही। दिन ही खराब है। अमन क्या कर रहे हो उधर, मरना है तो इधर आ जाओ, यहाँ से नीचे बहुत डायरेक्ट कूद जाओ। हाँ स्लिपरी होगा, इधर आओ, इधर इधर। अमन निकालो यार कुछ, अमन मजा आ निकालो। हम लोग यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। शक्ल तो दिखा है? ऐसा लग रहा है सूरज बहुत पास में आ गया है, बहुत धूप हो रही है, पास में आ गया है। बस यही सोच के आए थे यार, धूप बहुत है यार, निकले तो घर से, जब घर से निकले तो बारिश हो रही थी तो उम्मीद था कि यहाँ पे हम भीगेंगे, सारी उम्मीद खत्म हो गई। रेन ये बीच साला इवेपोरेट हो गया है, बोतल रख के रखे बूंद नहीं पिया रहा है। फेंक दो, फेंक दो। अरे माजा इधर से कुछ आया, लेट्स गो, लेट्स डू इट, कम ऑन, कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। अरे आसमान में पहुंच गया, ऐसा लग रहा है देखो। दोस्तों हम आज आसमान में छेद करने वाले हैं, सूरज बहुत करीब आ गया है। साला छेड़ रहा है हमें सूरज ऊपर से, इतना बड़ा छेद मिल गया हमारा। वो वाला गुफा मिल गया, आओ। तो गाइस इधर पूरा मुंबई दिखाई दे रहा है, पहाड़ी के पीछे है अंधेरी वगैरह, अंधेरी दादर वगैरह सब इस तरफ है, बांद्रा वगैरह। तो ये है कोरेगांव, मलाड, बोरीवली, भाईसर, मीरा रोड, भयंदर। फिर वहाँ पानी दिखाई दे रहा है, पानी उस तरफ नए गाँव शूट हुआ नए गाँव में। ये तो ऐसा सीन दिखाई दे रहा है, पूरा मुंबई दिखाई दे रहा है यहाँ से, बहुत मज़ेदार भी हुआ। यहाँ देखो पानी है, स्विमिंग पूल, ये भगवान बारिश करा दे बस, इतने ऊपर आके हुए डस्टबिन देखो। यही है गाइस, काम करो महीने भर, कभी एक दिन घूमने निकल आओ ऐसे मुंबई में, मस्त चिल करो, मजे करो। दिल्ली शहर का सारा महीना पजारा, बरेली वाला गानों सारा ला झुका करे, तो वैसे हमें जो टाइम दिया गया था 4 घंटे का, वो अभी ख़त्म होने वाला है, 1 घंटा बचा है। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि 1 घंटे में पहुँचना है अभी, इतना ज़्यादा जो इतना जंगल दिख रहा है, ये सब साइकिलिंग करते हुए वहाँ तक जाना है, वो जहाँ बिल्डिंग दिख रहा है बोरीवली वहाँ तक पहुँचना है साइकिलिंग करते हुए, तो 1 घंटा तो लगेगा ही। तो अभी यहाँ से हम निकल गए पहाड़ियों से, थोड़ा सा ऊपर गाना वाना बजा के म्यूजिक का फील ले, थोड़ा स्ट्रेस कम के, इतने ज़िंदगी में बोझ था काम करते हुए, तो उसका थोड़ा हल्का किया बोझ हमने, तो अब जा रहे हैं गाइस। तो गाइस अभी हमारा टाइम होने वाला है, तो हमने अभी साइकिल पकड़ लिया और हम नीचे जा रहे हैं। 1/2 घंटे के अंदर हमें बोरीवली पहुंचना है, साइकिल डिपॉजिट करना है, नहीं तो फिर पैसे वापस नहीं आएंगे हमारे जो डिपॉजिट किया था। चलो गाइस लेट्स रॉक इट। तो भाई अभी लंबा सा सफर खत्म करने के बाद भाई चकले काफी जिंदगी बीत रही है यहाँ पर। हेल 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 सब लोग होते हैं गांव के, नहीं नहीं देखते। अब यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के हम सीधा अपने रूम जाएंगे, थके हुए हैं बहुत यार अब। तो भाई आज का सफर बस यहीं तक का रहा, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज यू स्माइल। बाय।